दिल्ली की एक सर्द शाम में प्रोफेसर हरिश्चंद्र मिश्र शांतिनिकेतन से आए हैं। उनके साथ एक अनौपचारिक किस्म की बातचीत का मौका मिला है। प्रोफेसर हरिश्चंद्र मिश्र हिंदी विभाग शांतिनिकेतन में वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 30 या 32 सालों से, 37 वर्षों से वे पढ़ा रहे हैं। अध्यापन का एक लंबा अनुभव, शोध का एक लंबा स्पैन उन्होंने अपने जीवन में अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ गुजारा है। आज वे JNU में आए हैं। मुझे और मुझ जैसे अन्य अध्यापकों और अगली पीढ़ी के अध्यापकों को, शोधार्थियों को, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, मिलता रहेगा। वे बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, बहुत सारी भाषाओं से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, मसलन बंगला, उड़िया, तमिल, ये वे भाषाएं जानते हैं। लोक साहित्य और लोक गीतों पर उनका विशेष किस्म का काम है। उनका मानना है कि इतिहास का पुनराख्यान किया जाना चाहिए, इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए। इतिहास को दोबारा लिखने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वे हैं कि ऐसे मौखिक आख्यान जो कि इतिहासकारों की दृष्टि से परे रह गए हैं, उन मौखिक आख्यानों के आधार पर इतिहास की भूली बिसरी जो दरारें हैं उन दरारों को पाटा जाए। हमारी बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक है और ये उन विद्यार्थियों के लिए और उन शोधार्थियों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि यदि वे हिंदी साहित्य में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कैरियर वो कैसे बना सकते हैं, एक। और दूसरे, एक शोधार्थी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसका शोध उत्कृष्ट हो सके। ये दो सवाल आज हमारे सामने हैं और जिन सवालों के जवाब हम आपसी बातचीत में ढूंढना चाहते हैं। तो इस समय हैं हमारे साथ प्रोफेसर हरिश्चंद्र मिश्र, हिंदी भवन शांतिनिकेतन में प्राध्यापक हैं। पूरा जीवन इन्होंने प्राध्यापन और शोध में लगाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और लगभग 35 किताबें इन्होंने लिखी हैं और इन किताबों में उनके ज्ञान और उनके परिश्रम की सार्थकता दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर हरिश्चंद्र मिश्र, ऐसा है प्रोफेसर गरिमा जी कि जहाँ तक शोध की बात है और विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रक्रिया को समझने की बात है, वो मैंने देखा कि आज बहुत से छात्रों में इस बात की बहुत कमी है कि एक तो अपने लोक से जरा भी विज्ञ नहीं है, और जब तक आदमी अपने लोक से, लोकोक्तियों से, लोक चेतना से, लोक कथाओं से, लोक गीतों से जुड़ता नहीं है तब तक वो सहज नहीं होगा। मतलब आपको लगता है कि वो आज का जो शोधार्थी है या विद्यार्थी है वो अपनी जड़ों से कटा हुआ है, क्योंकि अपने मनुष्य के विकास को सही रूप से समझने के लिए यह लोक बोध बहुत जरूरी है। अब ये मैं नहीं कहता कि उसी लोक में जाकर वो न्यस्त हो जाए और वहीं बैठ जाए, लेकिन उसके माध्यम से अपनी गतिशीलता को और एक लोक के भीतर का जो श्रम संघर्ष है उसको आप्त कर सके। और दूसरी चीज़ है कि मेरे गुरुजी रघुवंश जी हमेशा कहा करते थे कि बिना चिंतन के कोई बहुत अच्छा अध्येता नहीं हो सकता। किताब पढ़ने से या 10 घंटे पुस्तक पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे वो जिस विषय का विद्यार्थी हो, उसको ये जानना पड़ेगा कि आज हमारी जीवन की, पूरे युग की और पूरे युग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, इसको चेतनात्मक स्तर पर हमें किधर ले जाना है। विज्ञान का आदमी है तो उसे भी चाहिए कि हम अपने विज्ञान को किस दिशा में ले जाएं। सोशियोलॉजी का आदमी है, समाजशास्त्र का आदमी है, तो उसे जरूरी है कि आज वो समाजशास्त्र के सही मूल्यात्मक भूमिका को समझे। यदि वो नहीं समझ पाता है तो केवल और पुस्तकों से डाटा इकट्ठा करेगा और एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि जो शोधार्थी है आज का,
एक तरफ तो उसके सामने नौकरी पाने का दबाव है, दूसरी तरफ आपका कहना है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े। तो यदि वो अपनी जड़ों की तरफ जुड़ने के लिए प्रवृत्त होता है तो नौकरी का जो प्रतिद्वंद्विता वाला जो क्षेत्र है वहाँ से वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। तो बीच का रास्ता, क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है उसके लिए? नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ तो शोधार्थी की अभी बात मैं कर रहा हूँ, आम विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब शोध के स्तर पर आदमी पहुँचता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि एक ऐसी विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत करे कि नौकरी के लिए तो अपने को तैयार करे ही, लेकिन अपने पूरे देश और पूरे समाज को एक तरह से प्रगामी बनाने की भी चेष्टा करे। क्योंकि यदि वो प्रगामी नहीं बना पा रहा है या उसका विषय कहीं भी जा करके किसी विषय के उस पॉइंट पर जाके अटक जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसे शोध करने की कोई अर्थवत्ता है। ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिसकी तरफ आपको लगता है कि आज के शोधार्थियों को, खास करके हिंदी और साहित्य के शोधार्थी को प्रवृत्त होना चाहिए, उसको जाना चाहिए, कैसे विषयों का वो चुनाव करें? क्योंकि बहुत देखिए, जैसे शोध गंगा जैसे साइट्स हैं जिनमें जब विद्यार्थी को विषय चुनना होता है तो वो शोध गंगा की तरफ जाता है, वहाँ देखता है कि किन किन विषयों पर काम हो चुका है, किन किन विषयों पर काम करने की संभावना है, और उसको ये एक किस्म की हड़बड़ाहट भी रहती है कि वो ऐसे विषयों को चुने जिस पर उसको अधिक से अधिक सामग्री पहले से मिल चुकी हो जिससे कि वो अपना काम ठीक ढंग से कर सके। ऐसे में वो नए विषय कहाँ से लाए? क्या आपकी आपका सुझाव है इस क्षेत्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नए विषयों पर आपको सामग्री बनी बनाई नहीं मिल सकती है, लेकिन जब हम आज के समसामयिक संदर्भ से जोड़ते हुए विषय को लेते हैं तो हमारी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा उसमें काम करती है, और ऑब्जेक्टिविटी के लिए कहीं कहीं से अपनी प्रमाणित करने के लिए वो तथ्य को पा जाएगा जब वह सब्जेक्टिव हो पाएगा। जब सब्जेक्टिव होगा तो उसे अपने अतीत में भी उदाहरण मिलेंगे, अतीत के खंडन से भी उदाहरण मिलेंगे और प्रमाण भी मिलेंगे। ऐसी स्थितियों में ऐसा नहीं है कि एक घिसी पिटी परिपाटी में हम रिसर्च करते जाएं और रिसर्च तो हो जाएगा, लेकिन हम आज हमारी जो स्थिति है, जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे ले करके चलें और उन समस्याओं को कहीं ना कहीं हम ऊर्जा दे पा रहे हैं कि नहीं, उसको प्रगामी बना पा रहे हैं कि नहीं। मैं नहीं कहता कि एक काव्यशास्त्र पर काम करने वाला आदमी कोई आज का बहुत बड़ा नया एक मॉडल दे पाएगा, लेकिन काव्यशास्त्र पर काम करते हुए भी वह अपने साहित्यिक आलोचना की दिशा को तो दिखा सकता है कि हमारे साहित्य की गतिविधि किधर होनी चाहिए। हम बिल्कुल पीछे जा करके साहित्य का अनुवर्तन करें या उसे बिल्कुल आगे गतिशील और उसको प्रगति के रूप में देखें। एक आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई है कि जहां आप कहीं पूरे देश को एक प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, एक नई विचार सरणी की ओर ले जाना चाहते हैं, वहीं आप शायद इस समय जो स्थितियां हैं, अब समाज में इनकार किए जाने की स्थितियों में आने लग रहे हैं, और जैसे लग रहा है कि आपका पूरा का पूरा उद्यम जो है ऋणात्मक हो रहा है, धनात्मक नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और हम क्या फिर से पीछे लौट जाएं? हम क्या उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति करें? मैं अतीत का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो अतीत को न जाने। बिना अतीत को जाने हम आज को नहीं समझ सकते हैं और अपने भविष्य की संभावनाओं को प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतीत के प्रश्न अलग थे, उनकी समस्याएं अलग थीं, और उनका जो वातावरण था, चाहे वो राजनीतिक रहा हो, चाहे धार्मिक रहा हो, चाहे दार्शनिक रहा हो, आर्थिक रहा हो, पूरा का पूरा ढांचा अपने समय के अनुकूल चल रहा था और वो निर्मित हो रहा था। आप बहुत आगे जाइए तो जब हम देखते हैं कि हमारे कबीली जिंदगी थी जिसमें पूरा कम्युनिज्म था, जहां वर्ग भी नहीं था, सभी लोग समान अर्थ की भूमिका से जुड़े हुए थे। हम ऋग्वेद में नहीं देखते हैं, अथर्ववेद में देखते हैं, बार बार प्रार्थनाएं आ रही हैं कि हे इंद्र, ये जो धन है किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, उसे बराबर बराबर बांट दो।
तो ये जो भावनाएं थी वो आज भी काम कर सकती हैं, और उनमें से हमें ये निकालना है कि कौन सी चीज प्रासंगिक है। आपने साहित्य इतिहास दर्शन पर काम किया है, आपकी किताब भी है, तो आप ये बताएं कि आज का शोधार्थी यदि साहित्य इतिहास दर्शन को अपना विषय चुनता है, बनाता है और इस दिशा में काम करना चाहते हैं, तो कौन कौन से संभावित विषय हो सकते हैं जिस पर कि शोध की अभी आवश्यकता है और वो उस पर रिसर्च करे तो उसको कुछ दिशाएं मिल सकते हैं। अब देखिए, इतिहास पर जब हम काम करेंगे, इतिहास दर्शन पर जब काम करेंगे, तो हम न तो साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं न इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि आज इतिहास को किस दिशा में ले जाया जाए। आप जानते हैं, बहुत पहले आर्यल स्टेनसन ने कहा है कि आज इतिहास पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है कि वह विश्व घटनाओं का कोष बनता चला जा रहा है। जरूरत है कि हम अपनी युगीन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुकूल एक नया इतिहास रचें। किसी युग में, कहा स्पेंगलर ने, कि किसी युग में अंतिम इतिहास नहीं लिखा जा सकता, लेकिन किसी युग के इतिहास को रद्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा मांग होती है कि अर्थवत्ता के संदर्भ में इतिहास को नया अर्थ दिया जाए। और यही नहीं, EH Carr ने कहा कि ये तथ्य और आंकड़ों से इतिहास नहीं बनता। ये तथ्य आंकड़े क्या होते हैं? मौन होते हैं। इनकी मौनता में इतिहासकार बोलने के लिए बाध्य करता है। नहीं, मेरा कहना ये है कि इतिहास के पुनर्लेखन से संबंधित कुछ समस्याएं या साहित्य इतिहास दर्शन को यदि कोई विद्यार्थी अपना शोधार्थी अपना विषय बनाता है तो उसमें ऐसे कौन कौन से कोण हैं जिन पर कि उसे काम करने की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए? उसको देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज होगी कि जिस भी साहित्य के विद को ग्रहण कर रहा है उसको देखे कि हमारे साहित्य का कौन सा अंश भविष्य में मूल्य बन सकता है और उसको ज़्यादा उजागर कर सकता है। जब तक हम नए संदर्भ में उसका ऐतिहासिक अध्ययन नहीं करेंगे और नई आवश्यकताओं के संदर्भ में उसका मूल्यात्मक अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बन जाती है। फिर वो आज से 1000 पहले जो अर्थ दिया गया था उसी अर्थ में जाकर सिमट जाता है। तो ऐसे कौन कौन से संभावित विषय हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि जिस पर काम किया जाना चाहिए विद्यार्थियों द्वारा? अब जैसे यदि वो किसी भी रूप में साहित्य के उन प्रवृत्तियों का अध्ययन करे, कि साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करे और देखे कि प्रवृत्तियां आज कितनी मूल्यवान और कितनी प्रासंगिक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये नहीं हो रही हैं तो वो इस बात को, मसलन हम मध्यकाल को ले, है ना, तो मध्यकाल पर जब एक शोधार्थी काम करने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कबीर, सूर, मीराबाई, तुलसी सब पर काम हो चुका है, तो वो क्या नया काम करें? काम तो हो चुका है, लेकिन जो उनकी क्रांतिकारी भावनाएं थी, जो अपने समय के साथ उन्होंने एक बड़ी ही बलवान क्रांति करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि भक्तिकालीन कवियों ने केवल भक्ति और ईश्वर की आराधना ही की है। उन्होंने अपनी परंपरा से आती हुई धार्मिक व्यवस्था के बीच जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो मूल्यहीनता है उसको तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और प्रयास किया है, और उन्होंने एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर से अपने इस भक्ति आंदोलन को चलाया है। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि वह किस तरह से उस समय कर रहे हैं और किस तरह से वे बिना किसी डर भय के, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी दर्शन हो, उसको वहीं तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक वो मूल्यात्मक हो पा रहा है। मुझे ये बताइए कि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अपने शोध को कैसे रोजगार से जोड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और डिग्री, उसका संबंध यदि रोजगार से सीधा सीधा नहीं जुड़ता है तो वो विद्यार्थी अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष इस पर क्यों लगाए? ऐसा है कि यदि हम इसको नौकरी से जोड़ देंगे तो कम से कम हम एक नई चेतना की तलाश का सवाल उसमें नहीं उठा पाएंगे।
देखिए आज जो नौकरी का पूरा माहौल साहित्यिक वालों के लोगों के लिए है वो भाषाई स्तर पर रह गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, कहीं अनुवादक के रूप में है, अनुवाद के रूप में, केवल एक अध्यापक ही है जो साहित्य को पढ़ करके अध्यापक हो सकता है। अच्छा ये बताइए एक सवाल का जवाब, और आप जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हैं और आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। आपको क्या लगता है कि साहित्य के प्रचार प्रसार में ये संचार जो माध्यम है, ये जो सोशल मीडिया है, ये क्या कोई सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, या आपको लगता है कि ये इट्स अ शियर टाइम वेस्ट, कि आपको लगता है कि सिर्फ समय बिताने के लिए या समय नष्ट करने का ही एक माध्यम है, और सोशल मीडिया किस तरह से आप जिस पीढ़ी के हैं आप कैसे सोशल मीडिया को देखते हैं? बात यह है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, विशेष करके शोध कार्य कर रहे थे, तब तक केवल यही रेडियो के अलावा और कोई। आपने शोध कब किया था? मैंने 1981 में डीफिल की डिग्री प्राप्त की थी। 81 में, हाँ, तो अभी तो 38 साल हो गए। तो आपको इन 37-38 सालों में कैसे, अभी आप कोई कुछ भी लिखते हैं या आप कोई भी भाषण देते हैं या आपकी कोई किताब आती है तो बहुत जल्दी वो सोशल मीडिया पर आप उसका मुख पृष्ठ डाल देते हैं और बहुत लोगों के उस पर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो आपको नहीं भी जानते आपकी किताब के माध्यम से जानते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है या जो भी इंटरनेट के माध्यम आए हैं, हैं तो वस्तु बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, और इसके माध्यम से एक निश्चित समय में ही पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है और कोई भी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन इनका इतना राजनीतिकरण हुआ है और इन्होंने अपने उद्देश्य को बहुत खोया है। जहाँ तक स्थिति है, गणेश विद्यार्थी ने कहा था कि आज पत्रकार कार से ज़्यादा जुड़ गया है, पत्रकारिता से कम। तो इस तरह की जो स्थितियां थीं, एक धन उपार्जन अर्जन और शक्ति के साथ जुड़कर शक्तिशाली होने की जो प्रक्रिया बढ़ गई है, ये बड़ी ही दुखद है। नहीं तो किसी भी माध्यम को मैं बुरा नहीं मानता हूँ और बड़ा शक्तिशाली माध्यम मानता हूँ। मसलन आज देखिए, विद्यार्थी के पास अगर किताब खरीदने के पैसे नहीं है या वो उस किताब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वैसे ही लेना चाहता है तो गूगल बुक्स पर उसको किताब के कुछ पन्ने ही सही लेकिन मिल जाते हैं, जिसको उसको एक मुकम्मल सी उसको जानकारी मिल जाए। तो इससे बहुत सारी ऐसी खोई हुई पुस्तकें हैं जो कि सामने आ रही हैं, जो कि छपा हुआ शब्द जहाँ नहीं पहुँच पाता था, प्रकाशित पुस्तकें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर भी गांव-गांव में इंटरनेट से लोग देख पा रहे हैं। अब यह है कि गूगल में यदि बहुत माकूल रूप से जानकारी दी जाए और संपूर्ण रूप से दी जाए तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों का बहुत लाभ होगा, क्योंकि पुस्तकें उतनी महत्वपूर्ण उतनी नहीं हो रही, लेकिन इतनी महंगी हो रही हैं कि हर आदमी खरीद नहीं सकता। लेकिन देखिए, बहुत पहले कहा गया था कि अब लिखे हुए शब्द की मृत्यु है और किताबें अब नहीं बिकेंगी, लेकिन दिनों दिन हिंदी के प्रकाशक, हिंदी की ही बात कर रहे हैं, हिंदी के प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है इसका सीधा सा मतलब है इस व्यवसाय में फ़ायदा है, इसका मतलब है कि उनकी खरीद हो रही है। तो एक तरफ सोशल मीडिया का इतना जोर है और खरीद भी बढ़ती जा रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अब आप देख रहे हैं कि एक ज़माना था कि लोग चिट्ठियां लिखते थे और बहुत से रचनाकारों की चिट्ठियां बड़ी साहित्यिक मूल्य रखती थी। रविन्द्रनाथ के कितने वॉल्यूम जो हैं चिट्ठियाँ हैं, और उसमें साहित्य के जीवन के तमाम प्रकार के गुर जो हैं भरे पड़े हैं। लेकिन आज जो है एक स्थिति है कि पढ़ने जिनको बहुत मस्त है वही पढ़ रहा है, एक जो सामान्य रूप से किताब पढ़ने की जो आदत थी लोगों की वो उतनी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आदत तो खत्म हो रही है, लेकिन अब जिसको पढ़ना है पढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, छोटी कक्षाओं में लड़कों को मौलिक रचना पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है और वे प्रश्न उत्तर पढ़ करके अपना काम निकाल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की पद्धतियाँ जो वस्तुनिष्ठ
प्रश्न उत्तर की आ गई हैं, उसमें वो रट रहा है और लिख रहा है, तो उसका बोध स्पष्ट नहीं हो रहा। ये जो साहित्य में MCQ की प्रणाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रणाली अब आई है साहित्य में खास करके, तो साहित्य के विद्यार्थी के लिए आपको ये क्या लगता है, ये हानिकारक है या लाभदायक है MCQ की? ये तो निश्चित मैं मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वह मतलब आप सब्जेक्टिव आंसर्स जो लिखे जाते थे उसके पक्ष में है, जैसे कि भाषा पर भी उसका नियंत्रण कितना है पता उसमें नहीं। बात ऐसी है ना कि वह उसके भीतर की जो साहित्यिकता है वो पहचानी जाती थी। आज साहित्यिकता की पहचान का कोई अवसर नहीं है। अब एक दिन मैं देख रहा हूँ मेरे ही विभाग में BA के लड़कों की इतिहास का पेपर आया, इतिहास का पेपर है और उस इतिहास के प्रश्न पत्र में इतिहास नाम की चीज कोई नहीं है। चूंकि मैंने इतिहास दर्शन पर काम किया है, इतिहास पढ़ता रहा हूँ, दूसरे ढंग सोचता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यदि ये आलोचना में पूछा जाता तो शायद यही प्रश्न पूछा जाता, कहीं और किसी रूप में पूछा जाता तो इसी रूप में, तो ये तो इतिहास का प्रश्न ही नहीं हुआ। और यही केवल हमारे यहाँ नहीं है, पूरे भारतवर्ष की स्थिति आई है कि पूछा जा रहा है कि इतिहास के बारे में, क्योंकि ऐतिहासिक प्रक्रिया के साथ उस रचनाकार की अनुभूति और कल्पना के गुणात्मक विकास के संदर्भ में उसकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं जीवन को देखने की और जीवन के सामूहिक दर्शन की तलाश की, वो प्रक्रियाएं क्या रही हैं उसको तो नहीं देख रहा है। देख क्या रहा है, पूछ दे रहा है कबीर की भक्ति पर अपना एक टिप्पणी लिखिए या तुलसीदास की भक्ति भावना की बात करिए। तो ये तो जब भक्ति की बात पूछी जाएगी तो ये इतिहास कहाँ से हुआ मैं नहीं समझता हूँ। और इतिहास को ये भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक कवि ने इतनी किताबें लिखी इस सन में लिखी। बात यह है कि सूर तुलसी कबीर आदि को देखते हुए एक काल के किसी भी सभी रचनाकारों की उन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करे कि जिससे उसने अपने युग को देखने की कोशिश की है। प्रवृत्ति का मतलब होता है जिसमें वह विशेष रूप से जुड़ता है, जीवन का समग्र बोध करने के बाद एक चेतना तैयार करता है। प्रवृत्ति का मतलब विधा नहीं है कि उपन्यास है कि कहानी है कि लघु कहानी है कि लघु उपन्यास है कि नाटक है कि प्रसन्न है, ये तो विधाएं हैं, एक प्रकार है। लेकिन प्रवृत्ति और विधा को एक कर देने की बड़ी बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ। तो मैंने देखा कि इतिहास के प्रश्न में इतिहास नहीं पूछा जा रहा, भाषा विज्ञान के प्रश्न में जो है कुछ थ्योरी लिखने के लिए दे दी जाती है। तो अब बड़ा विचित्र लगता है कि ये तो प्रश्न ही उस विषय से संबंधित है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये तो ये समस्या तो उसकी उन लोगों की है जो लोग प्रश्न पत्र बना रहे हैं, इस तो विद्यार्थी को तो उत्तर ही देना है। अच्छा ये बताइए आप, ये जो विधाओं का सम्मिलन और टकराहटें, हमारा जो बहुसांस्कृतिक देश है इस देश में बहुत सारी विधाओं का सम्मिलन और टकराहटें हम देख रहे हैं, बहुत सारी बहुत तरह की नई विधाएं भी आ रही हैं, जैसे लप्रेक लघु प्रेम कहानी इस तरह की विधा भी आई है, उसमें कई संग्रह भी आए हैं, कुछ गद्य कविताएं भी लिखने का भी जोर बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसी भी पुस्तकें लिखी जा रही हैं जैसे मान लीजिए संस्मरण है तो उसमें डायरी भी है, आत्मकथा भी है, यात्रा वृत्तांत भी है। इस तरह की विधाओं के बारे में आपका क्या मतलब, जो विधाओं का जो जॉनर का जो शुद्धिकरण है, शुद्धता जो है वो उसकी अब उसमें बहुत सारे सम्मिलन आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आज का जो मनुष्य है बड़ा ही वैज्ञानिक युग का मनुष्य है, बड़ा संश्लिष्ट जीवन हो गया है और उसका जीवन इतना जटिल सा हो गया है कि उसको किसी एक खास विधा में व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा फिर टुकड़े टुकड़े में भी है और एक साथ संयुक्त भी है, तो उनको बताने के लिए जरूरत पड़ती है कि हम चाहे अतीत से लें, इतिहास लें या वर्तमान को लें, उनमें से हमें देखना है कि वह उसका जो टिपिकल जीवन है वो कैसे हम निर्दिष्ट करें। जैसे आप ही ने देही देश है पुस्तक लिखी, आपने डायरी लिखी, लेकिन डायरी के माध्यम से आपने जो सजगता दी है पूरे देश को पूरे विश्व को, एक सजगता है कि हम तमाम बातों को जानते हैं, मानवीय संस्थाएं हैं, मानव जीवन से संबंधित संस्थाएं वो काम कर रही हैं, राष्ट्र कह रहा है कि हम अन्याय नहीं होने दे रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी जो रक्षा के लिए लगाया गया उसी के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, बिल्कुल, इन तमाम चीजों को देखने की किसी उपन्यास ने जरूरत नहीं की, किसी कविता महाकाव्य ने नहीं की। तो अब जैसे आप स्त्री समस्या संबंधी और नाना प्रकार की लेखकों की या लेखकों की जो स्त्रियों से संबंधित बातों को लिखा जिन लोगों ने, और वो कहीं ऐसी जगहों में छिपा दी गई, एक तरह से उनकी समीक्षा में एंटोलॉजीज हैं, जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी की जो रचनाकार हैं, इनको आप निबंध कहेंगे, आलेख कहेंगे, या इनको संग्रह कहेंगे, संपादन कहेंगे, क्या कहेंगे, यह तो हमारे अभी कुछ दिन पहले के लोगों की चिंताएं हैं, जो आज की चिंता से कितनी जुड़ पा रही है और कितनी प्रासंगिक हो पा रही है, यह जोड़ने की एक कला है। अब इसमें विधा को नहीं देख सकते हैं हम, देखते हैं कि आज को समझने के लिए इन लोगों उन लोगों ने भी, आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने में आप जाइए तो उनके जो गद्य लेखन है उनमें देखिए कि चाहे भट्ट जी हों, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हों, चाहे स्वयं भारतेंदु जी हैं, स्त्री के बारे में, नारी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। उनके पत्रों को देखिए, उनके और भी निबंधों को देखिए, तो बहुत कुछ कह डालते हैं। अब मुझे लगता है कभी एकदम आज के स्त्री विमर्श से बात करने वालों से भी बड़ी खांटी बात कभी कभी कह देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम उठा करके लाते हैं, तो उस लाने में हमारी विधा छिटक जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब वो चाहे जो विधा बन जाए, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के देखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम मनुष्य को गतिशील कितना बना पा रहे हैं, हम मनुष्य को एकदम पीछे ले जा करके उसके चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दें उसके बुद्ध के चारों ओर, ये हमारा बड़प्पन नहीं है। ये हम सोच सकते हैं कि हम अपनी भारतीयता, अपनी प्राचीनता, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का उद्यम ठान लिए हैं, लेकिन ये संस्कृति शब्द जो है वो अपने आप में बड़ा गतिशील है भाई। ऐसा नहीं कहा जाता संस्कृत का मतलब जो जो सती सावित्री के जमाने में जो हो रहा था वही संस्कृति है। संस्कृत का मतलब क्या होता है, जो संपूर्ण रूप से मनुष्य ने अपनी बौद्धिक चेतना के आधार पर, चाहे वो निर्माण हो, चाहे सोच हो, चाहे जितनी तरह की क्रिएटिविटी है, उसके माध्यम से जहाँ तक पहुँचा है उससे आगे वो सरीसृप की तरह सरकना चाहता है कि नहीं चाहता है। और तो ये चीज़ें संस्कृत में आती हैं। संस्कृत में हमारा नहीं है कि हमारे जो है भिन्न भिन्न ऋषियों ने क्या किया था, उन ऋषियों के किए हुए चीज़ों का तो एक तरह से मिश्रण अनायास हमारे जीवन में घुला हुआ है, उसको तो हम निकाल के फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसी जाबाल ऋषि की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हम अत्र ऋषि की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, लेकिन अत्र ऋषि की सोच, पराशर की सोच, वाल्मीकि की सोच हमारे रक्त में है, लेकिन उससे होते हुए हम एक नए रक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं। जैसे हम पैदा हुए तो हमें एक रक्त था, अब बूढ़े हुए तो एक रक्त है, कोई ब्लड बैंक वाला नहीं लेता मेरा ब्लड, तो ब्लड तो वही है जो हम पैदा हुए थे तब से, वो है जो पहले का था वो भी है, नया बना वो भी है, लेकिन आज क्यों ये अग्राह्य हो जा रहा है। तो सीधी बातें हैं कि नई चीजों को हम कैसे, पुरानी को नया बना के कैसे लें। चलिए, बहुत बहुत हमारी बातचीत बहुत सार्थक रही, ये एक अनौपचारिक बातचीत थी और इसके लिए कोई पूर्व तैयारी या पूर्व अभ्यास नहीं किया गया था, फिर भी आप आए और आपने बहुत अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें लाभान्वित किया और आपके साथ एक बातचीत रही, बहुत बहुत सार्थक रही। आपका बहुत आपसे बातचीत करके आपका आतिथ्य मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद लग रहा है, क्योंकि गाजर के हलवा तक ही सीमित नहीं रहा, फल और चाय तक ही नहीं रहा, यह एक बड़ा ही बौद्धिक आग्रह था और उसमें हमें भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा था, और मैं अपनी सोच को कहीं उर्वरक बना पाया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी लग रहा है कि तत्काल प्रश्न का उत्तर मैंने बढ़िया दे दिया कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है उसके अनुकूल मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद गरिमा जी, बड़ा अच्छा लगा, दिव्य है, साधुवाद आपको।